Good morning friends, today we are doing exercise 2.2. Your first question is find the product of the following. Product का meaning होता है multiply करने का जो answer आता है. तो 3 × 7 × 11. हमने fraction में addition and subtraction पढ़ा है, वो solve होता है LCM लेके. हम multiply किस तरह से आप solve करेंगे? Multiply में numerator and denominator में जो भी सेम टेबल में आते हैं उन्हें आप कट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ फर्स्ट पार्ट है 3 × 7 × 11. सो 7 के टेबल में ना तो 3 कट हो सकता है ना 11. सो हम डायरेक्ट न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. 11 × 3 = 33/7. न्यूमरेटर का आंसर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का आंसर डिनोमिनेटर में. ओके, इंप्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आया है, सो कन्वर्ट दैट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. आंसर इज 4/5/7. नेक्स्ट 15/3 × 2/5/8. सो मिक्स फ्रैक्शन में है, फर्स्ट स्टेप में इंप्रॉपर में कन्वर्ट करना. 15 × 3 = 45 + 1 = 46/3 × 8 = 16 + 5 = 21/8. अब जो भी सेम टेबल से कट हो रहे हैं उन्हें कट कीजिए. 3 × 1 = 3 × 3 = 7 = 21. ये दोनों 2 के टेबल से कट हो रहे हैं, 2 × 4 = 8 और 43 को कट किया 23. कट करने का मीनिंग है आपको 43 को 2 से डिवाइड करके देखना है. सो क्वेश्चन आपका आएगा 23. अब डिनोमिनेटर में 4 है, न्यूमरेटर में 23 और 7 है. सो कुछ भी कट नहीं हो रहा, न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए. 23 × 7 = 161/4. आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड करके. 4 × 4 = 16. देन हमने 1 राइट किया. आपको कंफ्यूजन होती है यहाँ 0 में कि 0 कब आपको राइट करना है कब नहीं करना. देखिए जब भी आप यहाँ से कोई डिजिट राइट डाउन कर रहे हैं और वो आपके डिविजर से स्मॉल है, सो आप क्वेश्चन में 0 राइट करेंगे. जैसे 1 4 से स्मॉलर है सो क्वेश्चन में 0. सो 40/1/4 इज द आंसर. नेक्स्ट फाइंड 1/2 of 48. ऑफ का मीनिंग होता है का. 48 का हाफ कितना होता है? सो इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे. 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई देन 48. अगेन 2 की टेबल से 48 को कट करना है सो 24. कट करने में ध्यान रखना कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए. फॉर एग्जांपल 49/2 हो, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, 49 को 2 से डिवाइड किया 24 आ गया, बट उसमें 1 रिमाइंडर बचता है. तो अगर रिमाइंडर बच रहा है तो वो कट नहीं होंगे. ओके, जब कम्प्लीटली डिविजिबल हो तभी वो कट होंगे. सो आंसर इज 24. नेक्स्ट 5/6 ऑफ एन ईयर, 1 ईयर का 5/6 पार्ट. सो जब भी यहाँ 1 में जब कुछ भी होता है 1 डे 1 वीक 1 ईयर, सो उसको उसकी स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए. ईयर से स्मॉलर यूनिट कौन सी होती है? मंथ्स. 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स. इट मींस हमें 12 मंथ्स का 5/6 पार्ट फाइंड आउट करना है. 5/6 × 12 मंथ्स. सो 6 × 6 = 12. 5 × 10 मंथ्स. ओके, इट इज आंसर. जिसमें आपने कन्वर्ट किया है आंसर के साथ भी आप वही यूनिट राइट करेंगे. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. आपको यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, मल्टीप्लिकेशन में, फर्स्ट स्टेप इन्हें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना. अब आपको इन्हें सेम टेबल से जो भी कट हो रहे हैं उन्हें कट करना है. फॉर एग्जाम्पल 15 और 15 ये दोनों कट हो सकते हैं वंख्या में, या फिर आप 9 और 15 को भी कट कर सकते हैं 3 के टेबल से. तो आप कुछ भी कर लीजिए, 15 × 15 15 × 15. 2 से आप 32 को भी कट कर सकते हैं 28 को भी. 2 × 1 = 16. ओके, अब डिनोमिनेटर में 9 है और न्यूमरेटर में आपका 16 और 28 है, ये बन जाई है यहाँ तो सारी जगह. तो 16 और 28 कुछ भी 9 से कट नहीं हो रहा, ना तो ये 3 के टेबल से कट हो रही है और ना ही 9 के टेबल से. ओके, तो न्यूमरेटर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड अपॉन में 9 हो जाएगा. 16 × 8 = 120. देखिए 16 × 8 = 128 carry 12 16 × 32 + 12 448. ओके, अब आपको इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. 9 × 36 =
नाइन नाइन का 81, सेवन इज लेफ्ट, सो सेवन अपॉन नाइन। ओके,